जी नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। पुनः एक बार YouTube चैनल ITI टेक्निकल स्किल सिवान में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CRO। CRO के भाग के जानेंगे कि हम कौन से भाग होते हैं, फिर उनको देखेंगे क्या काम होता है, और CRO के यूज भी देखेंगे और CRO के प्रकार के भी देखेंगे। तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं CRO से। ब्लॉक डायग्राम उसका पूछा गया था प्रश्न में, तीसरे प्रश्न जो था उसमें, तो ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है। तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम को हम देखेंगे, उसके बाद के बाद में सब चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और उसे समझा जाए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हमें कितने रेक्टेंगल एरिया, यहाँ पे चार, यहाँ पे तीन बनाने होंगे। सात आपको कुल रेक्टेंगल बनाने होंगे, यानी आयताकार आपको आकृति बनाना होगा। उन आकृतियों के अंदर आपको लिखना होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकल इनपुट और एसी और डीसी। यहाँ पे क्या है कि हॉरिजॉन्टल इनपुट है। अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो होते हैं। आप यहाँ पे वर्टिकल क्या होगा, एट्यूनेटर होगा, फिर हॉरिजॉन्टल एट्यूनेटर होगा, फिर यहाँ पे सावटूथ जनरेटर होगा, यहाँ पे ट्रिगर होगा। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे कि वर्टिकल के सामने तो वर्टिकल एम्पलीफायर, यहाँ पे आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एट्यूनेटर के सामने क्या लगाना है, गेट एम्पलीफायर लगाना है, और यहाँ पे क्या है कि हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है। तो इस प्रकार से हमें दो वर्टिकल, एक एट्यूनेटर और एक एम्पलीफायर, एक हॉरिजॉन्टल एट्यूनेटर और एक एम्पलीफायर, और उसके बाद बचे जाएगा वो क्या है कि सावटूथ जनरेटर होगा, ट्रिगर होगा, और यहाँ पे गेट एम्पलीफायर हो गया। तीन अलग है, बाकी आपको चार कॉमन चीज़ें हैं। नेक्स्ट में आपको क्या है कि एक ट्यूब बनाया जाएगा जिसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा डिस्प्ले के ऊपर। तो ये आपका डिस्प्ले होता है, यहाँ पे ये ट्यूब होता है और इसके अंदर सभी चीज़ें कंट्रोल करके दिखाया जाता है डिस्प्ले पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके अलग और चीज़ों को। तो आप देख पा रहे हैं कि वर्टिकल एट्यूनेटर है, तो वर्टिकल में आपको सप्लाई देना होगा। क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एसी और डीसी कोई भी आपको इनपुट सप्लाई देना होगा। उसी तरह से आपको हॉरिजॉन्टल इनपुट यहाँ देना होगा, दोनों इनपुट देंगे, ये दोनों इनपुट सामने में चला मिल जाएगा। वर्टिकल वाले वर्टिकल में जाके मिल जाएगा इस प्रकार से। हॉरिजॉन्टल वाला क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल ये नीचे आता है और फिर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में आता है। तो ये आपको यहाँ से डाउन होगा, यहाँ पे नीचे को आएगा, और यहाँ से आने के बाद ये इससे कनेक्ट होकर ये हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में चला जाएगा। और नेक्स्ट वर्टिकल एम्पलीफायर से निकल कर सप्लाई ये नीचे को आएगा, और नीचे को यहाँ से आकर ये अपना इनपुट में चला जाएगा। जो वर्टिकल से निकलेगा वो चला आएगा हमारा ट्यूब के ऊपर, इस प्रकार से ट्यूब के ऊपर। पुनः यहाँ से हॉरिजॉन्टल से जो निकलेगा वो फिर चला जाएगा ट्यूब के ऊपर, सप्लाई वो आएगा यहाँ ट्यूब के ऊपर, आपने देखा यहाँ पे। नेक्स्ट में आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो गेट से निकलेगा वो आपको ट्यूब के अंदर जाएगा। गेट से निकला हुआ भी क्या जाएगा, ट्यूब में। हॉरिजॉन्टल से निकला हुआ कहाँ जाएगा, दे ट्यूब में। वर्टिकल से निकला हुआ कहाँ जाएगा, ट्यूब में। तो तीन जो है कि सब यहाँ पे ट्यूब के अंदर जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि एक्स्ट्रा सिंक्रोनाइजेशन जो होगा वो आपको यहाँ से कनेक्ट होगा। स्विच लगा होता है तो दोनों में से किसी एक को कनेक्ट करेगा, और उसके कनेक्ट करने के बाद वो कार्य करेगा। तो यहाँ पे अभी जो कनेक्ट कर रहा है ये फिगर में, तो आपको ये कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ से कनेक्ट करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है कि ये चला जाएगा ट्रिगर के अंदर। ट्रिगर के अंदर ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया इस तरह से। फिर ट्रिगर से आउट होगा, जो ट्रिगर से आउट होके जाएगा सावटूथ जनरेटर में। सावटूथ जनरेटर यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ कनेक्ट किया, सावटूथ जनरेटर से फिर निकलेगा तो ये चला जाएगा आपको गेट में। तो यहाँ से आपको सप्लाई आउट करते हुए इसको यहाँ ले जाया जाएगा, और इसे पास करते हुए यहाँ गेट को भेज दिया जाएगा। तो यहाँ गेट को चला गया। क्या है कि आपको सावटूथ जनरेटर से जो निकलेगा वो भी हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के अंदर आएगा। तो जो आपको यहाँ से ये दिखाया गया इस प्रकार से, अब इसमें जिससे साथ कनेक्ट करना होगा वो कनेक्ट करेगा दो से। तो फिलहाल अभी जो कनेक्ट करेगा वो आपको हॉरिजॉन्टल एट्यूनेटर से ये कनेक्ट किया हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को। तो इस प्रकार से आपने देखा एक बार डायग्राम को पूरा, आते आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से यह बनाना था। फिर से हम एक बार इसे बता देते हैं। सबसे क्या करना है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो हमारा इनपुट है ये दोनों से इनपुट करेंगे। ये दोनों की आउटपुट क्या चला जाएगा, वर्टिकल एम्पलीफायर में चला जाएगा, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में चला जाएगा। ये फिर क्या होगा कि ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एम्पलीफायर से निकल के क्या चला जाएगा, CRT पे चला जाएगा। और फिर क्या करेगा कि वर्टिकल एम्पलीफायर से जो सप्लाई निकलेगा वो चला जाएगा इनपुट पर आएगा,
और नेक्स्ट में क्या होगा आपको कि यहाँ से फिर ये एक्स्ट्रा सिंक्रोनाइजेशन जो होगा वहाँ क्लियर कर यहाँ पे ट्रिगर में, ट्रिगर से चला जाएगा फिर साउथ जनरेटर, साउथ जनरेटर से चला जाएगा गेट में, और फिर यहाँ से अब देखेंगे कि साउथ जनरेटर से फिर ये चला जाएगा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के अंदर। तो ये आपको पूरा इस तरह से समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि ये क्या था कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ था। तो ये सीआरओ के नाम फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो सीआरओ का नाम होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, और यहाँ पे सीआरटी है, सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। के अंदर जो भी जो भाग थे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एम्पलीफायर, एक्यूनेटर, ट्रिगर, साउथ जनरेटर और गेट्स एम्पलीफायर थे, तो उन सब के बारे में एक बार देख लेते हैं कि क्या चीज़ होता है, किस प्रकार से वो काम करता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इनपुट एट्यूनेटर ये क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में देखेंगे। बीच बीच में आपको यहाँ जो नहीं स्पष्ट दिख रहा होगा उसे आप वीडियो को पॉज करके और इसे देख लेंगे और इसे लिख लेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ें। ये दोनों इकाइयाँ इनपुट सिग्नल के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस अंशों को यंत्र के एम्पलीफायर के लिए आवश्यक इनपुट वैल्यू तक रिड्यूस करती है। यानी कि क्या करता है ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये ट्यूनेटर है वो क्या करता है कि आपको कितना उसे चाहिए, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको एक्सिस अक्षों पर वो उसे कितना चाहिए उसके नियंत्रण को करती है, अर्थात मतलब उसको कम करती है और एडजस्टमेंट करके उसे वो सप्लाई को वहाँ देती है। यानी उसे प्लेट जो इसके अंदर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो दो प्लेट लगती है, दो हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल प्लेट होती है, जो कि डिस्प्ले के ऊपर क्या करता है कैथोड रे जो ट्यूब होता है उसके डिस्प्ले के ऊपर ये नियंत्रित करके उसके फोकस को करता है। तो ये आपका था। नेक्स्ट में आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एम्पलीफायर, इसको देखेंगे क्या हॉरिजॉन्टल अंश को क्या करता है, हॉरिजॉन्टल इनपुट सिग्नल को, हॉरिजॉन्टल इनपुट सिग्नल को हॉरिजॉन्टल अंश को एक्स प्लेट को प्रदान करने से पूर्व आवश्यक स्तर तक एम्पलीफाई करता है। इसी प्रकार वर्टिकल एम्पलीफायर इनपुट सिग्नल के वर्टिकल अंश प्लेट को प्रदान करने से पूर्व आवश्यक स्तर तक एम्पलीफायर करता है। यानी कि इसमें जो बातें बताया गया कि आपको हॉरिजॉन्टल इनपुट जो होगा सिग्नल वो हॉरिजॉन्टल प्लेट पे क्या, एक्सिस के प्लेट पे क्या करता है उसको नियंत्रित करेगा और फिर उस स्तर को कम करेगा, आवश्यकता के अनुसार उसे देगा। उसी प्रकार से वर्टिकल प्लेट पे भी, यानी वर्टिकल अक्ष के जो है उसके प्लेट को वो फिर नियंत्रित करेगा, उसको स्तर को बनाएगा, फिर उसके बाद एम्पलीफायर करके उसको देगा। एम्पलीफायर का मतलब होता है आपको वोल्ट जो सभी पावर से उन पावर को कंट्रोल करना, यानी कि आपको लो करना और हाई करना, यानी रिड्यूस और इनक्रीज करना। तो नेक्स्ट में आप देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट में बताया गया कि आपको साउथ ओस्ट जनरेटर होता है। साउथ ओस्ट जनरेटर मतलब आप जानते हैं जनरेटर जो भी है वो क्या करता है आपको जनरेट करता है। अब जनरेटर में क्या होता है कि वो एसी या डीसी जनरेट करता है, तो आपको जैसा लेना सप्लाई है उस पर डिपेंड करता है कि आप एसी सप्लाई लेना चाहते हो या डीसी, तो वो आपको देगा। नेक्स्ट में क्या है कि यहाँ पे साउथ, साउथ मतलब आप देखते हो हैक्सा होता है, आरी जो होता है, आरी के दांत जो होते हैं साउथ होता है, तो उसमें कटा होता है। यह एक ऑसिलेटर सर्किट होता है जो इनपुट सिग्नल केवल वर्टिकल अंश को आवश्यक टाइम बेस प्रदान करता है और सीआरओ के पर्दे पर टू डायमेंशनल फिगर्स दर्शाने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि आपको ये जो है कि सिग्नल जो आती है उस सिग्नल को टू वे में आपको दर्शाता करते हैं, यानी कि जिसमें चौड़ाई और उसकी थिकनेस दिया गया होता है, तो इस प्रकार से दर्शाता है। दूसरा है कह रहा है कि यह पृथक पृथक यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले इनपुट सिग्नल के लिए अलग अलग साउथ फ्रीक्वेंसी या टाइम बेस सिग्नल आवश्यक होता है। नेक्स्ट में देखेंगे गेट एम्पलीफायर। गेट एम्पलीफायर में क्या कहलाता है कि यह एम्पलीफायर सर्किट साउथ जनरेटर से इनपुट प्राप्त कर उसके तुल्य फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर वेव आउटपुट तैयार करता है। यानी कि आपको जो इनपुट दीजिएगा उस इनपुट को फ्रीक्वेंसी के अनुसार आपको स्क्वायर वेव में देता है। साइन वेव होता है, स्क्वायर वेव होता है, साउथ वेव होता है और ट्रेंगुलर वेव होता है। नेक्स्ट में आपको तैयार करके क्या करेगा और उसे सीआरओ को
प्रदान करता है। यह एम्पलीफायर ऐसी व्यवस्था तैयार करता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बीम ओनली ट्रेस पीरियड में ही पर्दे पर विद्यमान रहे, यानी कि आपको ट्रेस पीरियड जब चल रहा होगा उसी समय इसको रिप्रेजेंट करेगा, और जब रीट्रेस चल रहा होगा उस कंडीशन में ये इसको नहीं रिप्रेजेंट करेगा, नहीं दर्शाएगा। वही बात को बताया गया, रीट्रेस पीरियड में नहीं। इस एम्पलीफायर को ब्लॉकिंग सर्किट परिपथ भी कहते हैं। इसे क्या कहता है कि इसको ब्लॉक करके रखता है एक समय में आपको जब ट्रेस करता है, यानी ट्रेस का मतलब होता है कि शून्य से आपको मैक्सिमम तक जाता है उस समय ये दिखाता है, और जब मैक्सिमम से जीरो की तरफ आता है उस समय नहीं बताता है, उसे रीट्रेस पीरियड बोलते हैं। तो इसी को कहते हैं ब्लॉकिंग आपको परिपथ बोलते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या कहा जा रहा है कि ट्रिगर, ये ट्रिगर क्या होता है, नापे जाने वाले इनपुट सिग्नल एंड टाइम बेस्ड सिग्नल को एक साथ प्रारंभ करने, यानी कि एक ही साथ दोनों को दिखाने के लिए, यानी कि इनपुट सिग्नल और टाइम बेस्ड सिग्नल दोनों को एक ही साथ दिखाने, यानी प्रारंभ करना, दिखाना, यानी सिंक्रोनाइजेशन के लिए ट्रिगर पल्स पैदा करने वाला परिपथ ट्रिगर्स कहलाता है। यह सिग्नल बाहर से भी प्रदान किया जा सकता है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स सिंक्रोनाइजेशन लिखा गया है, वहीं आपको बाहर से इसमें प्रदान किया जाएगा, जो कि आपको यहाँ से वर्टिकल एम्पलीफायर से जो आ रहा है उसी के साथ साथ आपको बाहर से भी यहाँ लिया जाएगा, उसी को बताया गया। और उस स्थिति में यह एक्सटर्नल ट्रिगर सिग्नल कहलाता है, जब बाहर से लेंगे तो एक्सटर्नल होगा, जब अंदर से आपको आएगा यानी कि आपको वर्टिकल एम्पलीफायर पहुंचेगा। तो इस प्रकार से आपके सीआरओ के ये अंदर जो भाग था उस भाग को हमने पढ़ा कि क्या क्या है, किस प्रकार से उसका काम है। नेक्स्ट में हम देखेंगे सीआरओ के भाग को क्लासिफिकेशन किया गया किस प्रकार से होता है, जो यहाँ दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं कि डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप एंड DSO लिखा गया है, डिजिटल फॉस्फोर ऑसिलोस्कोप यानी कि DPO लिखा गया है, और मिक्स्ड डोमेन ऑसिलोस्कोप जो आपको MDO लिखा गया है, नेक्स्ट में मिक्स सिग्नल ऑसिलोस्कोप जो MSO लिखा गया है, और उसके बाद आपको आता है डिजिटल सैम्पलिंग ऑसिलोस्कोप, नेक्स्ट में आप देखेंगे ड्यूअल बीम ऑसिलोस्कोप, एनालॉग स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, हैंडहेल्ड ऑसिलोस्कोप, और नेक्स्ट में आपको PC बेड्स। तो ये कुछ टाइप थे उसके आप सीआरओ के, तो यहाँ पर आप देख लिए। और इसके जस्ट बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने CRT के लिखा हुआ, ये बार बार पूछा जाता है, ये देख लेंगे। और यहाँ पे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी कि CRO के बारे में, CRO और CRT के बारे में बता दिया गया। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि CRO का यूज क्या है। ये हम देखते हैं CRO के उपयोग, CRO के उपयोग जो होता है वो AC वोल्टेज मेजर करने के लिए, और फिर दूसरा होता है DC वोल्टेज मेजर करने के लिए, मापने के लिए किया जाता है। AC वोल्टेज में हम देखेंगे तो वो क्या करता है कि Y इंस्टेंस सर्किट में उसको दिया जाता है, और दूसरा क्या कहलाता है कि DC में भी देखेंगे तो DC Y इंस्टेंस में उसे दिया जाता है। उसी प्रकार से और भी देखेंगे तो क्या होता है AC DC ग्राउंड में, है ना, जब AC को ज़रूरत होगी तब AC को लेगा, DC को ग्राउंड करेगा, फिर जब DC में हम ज़रूरत होगा AC DC ग्राउंड के DC में देखेंगे तो DC क्या करता है कि वो लेगा तो AC को ग्राउंड कर देगा, यानी कि इस प्रकार से कुछ इसके टाइप यूज में होते हैं वोल्टेज के भी। अब उसके क्या करना है कि अब आपको मैं अगले वीडियो जब बना के दूंगा उसमें आपको CRO के को हम डिटेल देने के लिए आएंगे। लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम मिलेंगे CRO के पैनल और उसके पार्ट्स नेम के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप उस को देखने के लिए और उससे जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल पर बने रहें।